Hello friends, you are welcome in your favorite pharma channel. Let's continue with the drug acting on the gastrointestinal tract. So in this video we are going to discuss about the classification of the antidiarrheal agents. These are the main two classes, that is the specific antimicrobial agents and non-specific antimicrobial agents. So diarrhea is caused due to the if there is a physiological alteration or in presence of the cause due to the pathological microorganisms. So if diarrhea caused due to the pathological microorganism, then it is called as the disease. And if it is called due to the physiological alteration, so we call as that the disorder. So okay, aapko samajh mein aa raha hai disorder kisko bolte hain hum aur disease kisko bolte hain. To uske basis pe hamare drug ke classification hai specific antimicrobial agents. मीन्स आपके जो स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं कि जब आपका डायरिया किसी बैक्टीरिया वायरस या पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स. जब आपका डायरिया आपकी फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन आपके जी आई टी सिस्टम में कोई अल्ट्रेशन हो गया तब हो रहा है तो हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं. अगर आपका डायरिया बैक्टीरिया ऐसे हो रहा है तो आप क्या लेंगे, स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स लेंगे. दीज आर द ड्रग व्हेन डायरिया कॉज ड्यू टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका डायरिया हो रहा है तो हम स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स लेंगे. जब स्पेसिफिक बैक्टीरिया से हो रहा है तो हम क्या लेंगे, एंटी बैक्टीरियल्स. तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, उसके एग्जांपल है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ऑक्सफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन एंड कोट्रिमोक्सासोल. दीज आर द फाइव एग्जांपल विच आर यूज्ड व्हेन डायरिया इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरियाज. सो हमने उसके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, लो नैंसी को एल बोले तो लियोफ्लोक्सासिन, ओ बोले तो ऑक्सफ्लोक्सासिन, नैन बोले तो एन मीन्स नॉरफ्लोक्सासिन, नैंसी मीन्स सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड को बोले तो कोट्रिमोक्सासोल. तो बहुत मज़ा आ रहा है ना ये सीखने में. तो बच्चों भाई लोग, बहुत मज़ा आना बहुत ज़रूरी है. जब मज़ा आ जाएगा ना तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी. तो आपका पहला स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में एंटीबैक्टीरियल के हमने देख लिया. तो स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का अगला सब क्लास कौन सा है आपका, एंटी प्रोटोजोल एजेंट. एंटी प्रोटोजोल्स मीन्स व्हेन आपकी डायरिया कॉज हो रहा है पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्रोटोजोआ. तो एंटी प्रोटोजोल कौन कौन से ड्रग है आपके, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, ओरनिडाजोल एंड सेकनिडाजोल. दीज आर द फोर मेन ड्रग. ट्रिक इज द मोस्ट, मोस्ट मीन्स मेट्रोनिडाजोल, ओरनिडाजोल, टीनिडाजोल एंड सेकनिडाजोल. दिस इज द ट्रिक. ओके, अगर आपका डायरिया आपका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है, मीन्स आपका डायरिया क्या है, एक डिसऑर्डर है, मीन्स फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन की वजह से आपका डायरिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको क्या देने पड़ेंगे, तो आपको एंटीमोटिलिटी एजेंट और दूसरे दो अलग कोई एजेंट, एंटीबैक्टीरियल या एंटी प्रोटोजोल से अलग दूसरे एजेंट आपको देने पड़ेंगे. तो आप कौन कौन से ड्रग देंगे, नॉन स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, दे आर यूज्ड व्हेन डायरिया कॉज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन. मीन्स जब आपके फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन हो जाए तो इंक्रीज गया पेरिस्टालसिस या कोई भी आपके गैस्ट्रिक ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसी समय में हम कौन कौन से ड्रग देंगे, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स. दीज आर द ड्रग्स विच रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मीन्स आपके गैस्ट्रिक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो ज़्यादा हो गए तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ड्रग देंगे. कौन कौन से ड्रग देंगे, एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक का कौन सा है आपका, एट्रोपिन. एट्रोपिन इज एक्ट एज एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पाजमोडिक, मीन्स विच रिड्यूस द डायरिया. और आपका सेकेंड ड्रग कौन सा है, ओपियोइड्स. ओपियोइड्स में आपको पता है मॉर्फिन, लोपेरामाइड, दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दैट इज एंटी मोटिलिटी एजेंट. जब आपका डायरिया जो है, डायरिया आपका नॉन स्पेसिफिक है लेकिन आप कौन से ड्रग दे रहे हैं, डायरिया कॉज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन से आपका डायरिया कॉज हो रहा है, तो आप दूसरे टाइप का कौन सा ड्रग है आपका, ड्रग विच रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका एग्जाम्पल है सल्फासैलाजिन. दीज आर द फोर मेन क्लासेस ऑफ द एंटी डायरियल ड्रग. तो हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, ड्रग स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल एजेंट्स.
तो स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी प्रोटोजोल। एंटीबैक्टीरियल की आपने ट्रिक देखी कि लो नैन्सिको मीन्स लो ल्यू ल्यूफ्लोक्सासिन, ऑक्सफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड कोट्रामोक्सासोल। एंड आपको एंटी प्रोटोजोल की ट्रिक हमने क्या बताया, मोस्ट मोस्ट मीन्स मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सिकोनिडाजोल एंड ऑर्निडाजोल। सो एंड नॉन स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन एंड ओपियोइड्स, मॉर्फिन, लोपेरामाइड एंड इनहिबिट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। द ड्रग्स आर द सल्फासैलाजिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ यूअर फ्रेंड्स। थैंक यू।